तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं अर्टिगा 2021 का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है VXI, और ये 2021 का वेरिएंट है वैल्यू फॉर मनी। तो आज हम इसका रिव्यू देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, तो वीडियो को पहले ही लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर से देखने का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और नया दिन और नया ब्लॉग। हेलो दोस्तों, ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई ये है अर्टिगा 2021 VXI, और ये पेट्रोल प्लस CNG वेरिएंट है। ये 2021 का वेरिएंट है। तो आज हम इसका पूरा रिव्यू जानने वाले हैं। तो सामने की तरफ कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है पूरा। बाकी यहाँ पे आपको जो है क्रोम ग्रिल मिलती है, डुअल ग्रिल। बाकी अगर इसके हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिलता है। बाकी ये हाई बीम के लिए ये हेलोजन सिर्फ आपको नॉर्मल बल्ब देखने को मिलता है। बाकी इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ है, और यहाँ पे आपको कुछ क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। बाकी अगर फॉग लैंप की बात करें तो इसमें आपको फॉग लैंप नहीं देखने को मिलते हैं, आपको एक्सेसरीज़ के तौर पर लगा के मिल जाएंगे। बाकी अगर आप ZXI या ZXI प्लस लेते हैं तो उसमें आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फेंडर पे नहीं। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल यहाँ पे 185/65 R15 इंच के आपको इसमें टायर देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें आपको सिर्फ व्हील कैप मिलेगा, एलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी कुछ इसकी ऐसी दिखती है साइड प्रोफाइल पूरी कार की, 7 सीटर है। अगर हम बैक से बात करते हैं चल के, तो यहाँ पे बैक इसका ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सिर्फ अर्टिगा की बैजिंग देखने को मिलेंगी और सुजुकी की। बाकी यहाँ पे ZXI VXI कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगे। और सुजुकी ने तो अभी डीजल इंजन बंद कर दिया है, तो ये पेट्रोल प्लस CNG वाला है। यहाँ पे आपको CNG की बैजिंग भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप लैंप देखने को मिलेगा, इस पर आपको रियर स्पॉइलर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी फिर टेल लैंप कुछ ऐसी दिखती है, जहाँ पे आपको इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट। बाकी कुछ ऐसी फिनिश देखने को मिलती है जो कार के लुक को बहुत ही इन्हेंस करती है। इसके अराउंड आपको जो है यहाँ पे नैनो ब्लैक फिनिश भी देखने को मिल जाएंगी लाइट के, टेल लाइट के अराउंड। बाकी इसमें आपको LED वगैरह कुछ नहीं मिलती है। टॉप मॉडल में भी यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलती है। बाकी अगर इसके टेल गेट की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन देखने को मिलता है। 209 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है। बाकी यहाँ से यहाँ पे आपका है जो CNG गैस, और CNG गैस आप सीधा ही फ्यूल लिड ओपन करके एक मिनट में आपको ओपन करके बताता हूँ, वहाँ से ही आप CNG गैस भी फिल करा सकते हैं। तो यहाँ पे है इसका फ्यूल लिड ओपनर। यहाँ से आप आपका पेट्रोल भरेंगे, और ये है CNG गैस का, जहाँ से आप CNG फिल करवा सकते हैं। बाकी कार की मैं आपको दूसरी प्रोफाइल बता देता हूँ, और अब चलेंगे कार के अंदर। और कार के आपको एंटीना जो देखने को मिलता है, इसमें शार्क फिन नहीं, सिंपल आपका नॉर्मल एंटीना देखने को मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पे सीट फोल्डिंग की बात करें तो सीट आपको आप ऐसे कुछ सीट फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो वाटर होल्डर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको जो है टूल किट रखा हुआ मिल जाता है। तो ये है इसका पूरा बूट स्पेस। बाकी ये आप सीट और फोल्ड भी कर सकते हैं 60-40 के रेशियो में। तो मैं इसे वापस से ऊपर लगा देता हूं। अगर पार्किंग सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको पीछे 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्टर कुछ ऐसा, और जो बम्पर की जो फिनिश है, जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी कार के लुक को इन्हेंस करती है। और इसका स्पेयर टायर आप देखेंगे ना, तो स्पेयर टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप चलते हैं कार के अंदर और बात करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा ओपन करने का, सिंपली आपको जो है सेंट्रल लॉकिंग देखने को मिलेंगी। और कुछ ऐसा आपको दिखता है कार का इंटीरियर, इसकी मैं आपको की बता देता हूँ। तो कार की कुछ की आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, ये है लॉक का बटन, ये अनलॉक, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग मिलेंगी। और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको स्टेयरिंग देखने को मिलता है, जो है टिल्ट स्टेयरिंग व्हील है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है इसमें। और ये मैं लगा देता हूँ। और इसमें कुछ आपको MID ऐसी देखने को मिलेंगी। बाकी ये है आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। ये है आपका टैकोमीटर। बाकी यहाँ पे आपको जो है सब आपके जो है बाकी इंडिकेटर्स मिलेंगे।
अगर साइड डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा साइड डोर है, पूरा बीच कलर में आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, सिल्वर और बीच कलर है जो कार की लुक को बहुत ही इन्हेंस करता है। यहाँ पे आपको जो ऑटो वन टच डाउन विंडो मिलेंगी, ऑटो वन टच आप नहीं मिलेंगी, यहाँ से आप कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसमें चार पावर विंडो आपको देखने को मिलेंगे, बाकी यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे वाटर होल्डर और कुछ आपको स्पेस देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें तो ये आपको पूरा क्रोम में देखने को मिलेगा। बाकी जो कार के आपको ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ आपको फोल्डेबल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बटन है, यहाँ पे कुछ ऐसे बंद हो जाते हैं और मैं अभी ओपन करूँगा तो ये हो गए आपके ओपन। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली ABS वगैरह भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे एडजस्ट करने को देखते हैं मिल जाते हैं बस। बाकी यहाँ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि डबल डिन का जो आता है वो है। सुजुकी ने अब जो है बटन हटा के ये कुछ ऐसा टच स्क्रीन कर दिया है जो आपको कार के प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पे इसमें आपको जो है कोल्ड स्टोरेज भी देखने को मिलेगा, कोल्ड कप स्टोरेज है ये। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे ऑक्स का और USB का पोर्ट, यहाँ पे कुछ आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, बाकी यहाँ से कॉल रिसीव कट और ब्लूटूथ का देखने को मिलेगा। यहाँ पे IRVM की बात करें तो डे नाइट वाला IRVM मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है दो माइक देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। पीछे भी आपको एक लाइट देखने को मिलेंगी और कुछ यहाँ पे आपको पीछे से मैं आपको AC विंड्स भी बता देता हूँ। बाकी कुछ ऐसा दिखता है गियर नॉब, इसका कुछ ऐसा दिखता है, 5 गियर है इसमें। और बाकी जो आपको स्पीकर देखने को मिलेगा वो वहाँ है, इसमें टोटल 4 स्पीकर आते हैं। यहाँ आपको जो है इतना स्टोरेज डिसेंट साइज का आपको स्टोरेज देखने को मिलता है ग्लव बॉक्स में। और यहाँ पे भी आपको कुछ थोड़ी सी स्पेस दी गई है जैसे आपका लाइसेंस वगैरह रखने के लिए। कि यहाँ पे आपको हजार्ड का बटन मिलता है और यहाँ से आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं फ्यूल और CNG पर। ये दबाएंगे तो CNG हो जाएगा और वापस से दबाएंगे तो नॉर्मल आपका जो है पेट्रोल इंजन वापस से ऑन हो जाएंगे। तो चलते हैं आप कार के बैक साइड। जो सीट है वो मैंने फुल्ली पीछे कर दिया और कुछ आपको इतना स्पेस देखने को मिलता है, मतलब स्पेस तो है ही नहीं। बाकी ये जो मेरी हाइट 6 फीट है, यहाँ पे आपको जो है मेरे पूरे पैर टच हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा 12 वोल्ट का एक सॉकेट, आपको पूरे 6 के 6 रेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे। आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट नहीं देके आपको जो है पीछे आर्मरेस्ट दिया गया है जिसपे आपको कप होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ ऐसे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं मैगबैक फिनिश में और कुछ ऐसा दिखता है पीछे से आपको पूरा आगे का डैशबोर्ड का लुक। कार में आपको जो है ट्विटर्स देखने को नहीं मिलते हैं और ये है 1.5 लीटर वाला इंजन। यहाँ पे आपको पीछे वाईफाई डिपोगर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। बाकी आप चलते हैं कार के थर्ड रो में और स्पेस चेक करते हैं। और कार की थर्ड रो में अगर जाना है तो इसे आगे करना पड़ता है, यहाँ से कुछ ऐसी फोल्ड होती है, यहाँ से आप आगे कर सकते हो। बाकी अब चलते हैं कार की पीछे साइड और देखते हैं स्पेस। तो वही स्पेस तो है ही नहीं पीछे की साइड, आपको स्पेस है ही नहीं अगर कोई 6 हाँ अगर बच्चे हैं तो चलेगा, बाकी स्पेस तो पीछे दी ही नहीं है। यहाँ पे आपको ZXI में यहाँ पे भी आपको एक और एक पावर आउटलेट मिलेगा 12 वोल्ट का। बाकी यहाँ पे आपको जो है कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल पीछे कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपके रेयर AC विंड्स ये आपको मिल जाता है पीछे का लैंप। बाकी यहाँ पे भी एक कप होल्डर है और आपको एडजस्टेबल ये देखने को मिलेंगे। बाकी ये आपको कंफर्टेबली तो नहीं, बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ 3 जन बैठेंगे वो भी अनकंफर्टेबल, मतलब पीछे तो जगह है ही नहीं। आप देख सकते हैं मेरे पूरे पेट टच हो रहे हैं, इतनी सी आपको सिर्फ जगह देखने को मिल जाती है। बाकी अगर पीछे के डोर की बात करें ना तो आपको फुल्ली बीच कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो है हैंडल आपको पूरा क्रोम में देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक स्पीकर, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस आपको देखने को मिलेंगी। बाकी अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो कलर मिलते हैं और ORVM भी आपको कलर मिलते हैं, जहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर LED देखने को मिलेंगे ORVM पे। बाकी ये था 2021 अर्टिगा का VXI मॉडल वैल्यू फॉर मनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी रहेंगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।